इस चीज के लिए मैं खुद को सॉरी बोलूंगा। देखिए इतनी ठंड, ऐसा लग रहा है जैसे फ्रीजर से भी ज्यादा ठंड है। ओए लखनी जी भी साहब, एयरबीएनबी पर हमने जो प्रॉपर्टी बुक करी उन्होंने बस मेल पर नंबर लिख दिया जो यहाँ का लॉक था कोड था, और हम लोग अंदर आ गए, पता चला मेन गेट और अंदर इसका तो लॉक बताया नहीं हमें। व्हाट्स इनसाइड द हाउस, द अपर पोर्शन ऑफ द हाउस इज थ्रू द डोर ऑन द लेफ्ट। तो ये अंदर से कुछ ऐसा है, बाहर से इसकी हालत खराब थी। हो गया भाई, ओपन हो गया ये। चल पहले ऊपर से देखते हैं गाइस, हम आपको बताएंगे ये हमने क्या बुक करवाया और कहाँ बुक कराया है, कैसा बुक कराया है। हमारे चीचू बेचारे थक गए होंगे, पूरे रास्ते ड्राइव करते हुए आए हैं। तो भाई जीजू ना तो कितने ड्राइव, 10 घंटे ड्राइव करिए भाई। वाओ जीजू, सो फोटो कैसे खींच रखे हैं। ये स्कैम हुआ है हमारे साथ गाइस, बहुत बड़ा स्कैम है। सामान इधर रख दिया जाए, बहुत बड़ा स्कैम हुआ है हमारे साथ। ये क्या करा है इसने यार, ये कुछ ऐसा जीजू मतलब स्कैम हो गया है। बाथरूम अच्छे है? हाँ बाथरूम तो क्लीन है भाई। ये किचन वाओ, नहीं नहीं जीजू सुंदर है, कह रहे जीजू गाइस, जीजू कह रहे इतना बड़ा स्कैम भी नहीं हुआ है, ठीक ठीक स्कैम हुआ है दीदी, हमारे साथ स्कैम हो गया। और जीजू कह रहे ठीक ठीक स्कैम हुआ है, इतना बुरा नहीं। चलो आ जाओ आरू दीदी, आप इसको सुला दो, आ जाओ सबसे पहले आप आयरा को सुला दो, आ जाओ रूम है यहाँ पर। तो ये है रूम एंड बहुत ही प्यारा सा रूम है, कोजी सा रूम है, और ये किचन। लखन वैसे एक बात है, जीजू हमारे ड्राइव करके आए 10 घंटे, उसके बाद भी चिड़चिड़े नहीं हो रहे। अगर तुम होते तो दीदी सही बता रही हूँ, लखन तुम तो मुंह बना लेते। ओ अरे बाप रे, वाटर निकालो भाई, इसमें अभी लाइट क्यों कहना है, वाटर था। ये लाइट दिखा रहा है आपको, डिस्को लाइट भी है देना, अरे डिस्को बाथरूम पे डिस्को। नहाते नहाते डांस करो, आगे पानी, ठंडा पानी पियोगे भाई, इतने मॉडर्न जगह की आदत नहीं है अपने को। बात तो सही है, बट हम लोग रात में सोच रहे थे क्या खाएंगे क्या खाएंगे जब हम घर से निकले थे, लेकिन नमिता आंटी ने इतना सारा खाना हमें दे दिया कि अब हमें खाने की जरूरत नहीं ना लक्सू। सही में यार, तो दीदी यहाँ पर दक्षु को खाना खिला रही है, और जीजू का भी लग रहा है, लखन का पता नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे, हमारे शूज यहाँ पर उतार दिए, बाकी हमारे सारा सामान ये आ चुका है, काफी सारा सामान है हमारा 2 दिन के लिए हम। और ये देखो मॉर्निंग में दिखाऊंगी यहाँ का व्यू, ये एरिया थोड़ा सा अजीब ही है, मुझे डर लग रहा है इधर आकर कि सारे लोग दूर दूर हैं। ये एक रूम है जो कि एक्स्ट्रा रूम है, इनको लगा काफी लोग आ रहे हैं। वेल सुंदर है जगह तो, है ना। हाँ, सुंदर, लेकिन यार सच्ची स्कैम हुआ अपने साथ थोड़ा सा, यार थोड़ा सा हुआ, इतना तो चलता ही है, इतना तो झूठ सभी बोलते हैं। खा ले बेटा खा ले, शोर नहीं करना दक्ष, अब हाँ अब शोर नहीं करना, तेरे घर चलते थे मेरे को ठीक नहीं लग रहे। वाह गाइस देखो नमिता आंटी ने जो खाना बना के भेजा वो कितना काम आ रहा है हमारे, थैंक यू आंटी जी, थैंक यू सो मच। मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, ऐसा लग रहा है कि चक्कर खा के गिर पड़ूंगा, जो नीतू हर बार बोलती है ना चक्कर आ रहे, मैं बहुत मजाक बनाता था, लेकिन यही होता है चक्कर। आज समझ में आ रहा है चक्कर किसको बोलते हैं, पता है ड्राइव अप्रॉक्स 10 घंटे की थी, एक टाइम पे आके मैं जीजू को बोल रहा हूँ कि जीजू अगर आपको ड्राइव नहीं करी जा रही हूँ मेरे को दे दो मैं ड्राइव कर लूंगा, जीजू ने कहा नहीं बेटा मैं कर रहा हूँ, उन्होंने ये बात बोली और 10 मिनट बाद मुझे इतनी तेज नींद आई कि मैं क्या बताऊं। The next morning. Morning everyone, welcome back to Lakhni Vlogs. Thank you so much कल वाले व्लॉग को इतना प्यार देने के लिए। आज आप लोगों को पता है हम लोग नायगरा फॉल्स में, वैसे 12 बज चुके हैं यहाँ पे, हम लोग उठे भी लेट क्योंकि सुबह 3:30 बजे पहुंचे, 4 बजे तक सो पाए, 6 घंटे की नींद ली, अप्रॉक्स 10 बजे उठे थे, फिर मैं एडिटिंग का काम निपटाया मैंने, और थोड़े कुछ सियापे चल रहे थे लाइफ में उनको थोड़ा सा सॉर्ट आउट किया, और इतनी जल्दी तैयार भी हो गई हमारी बहन ने, यहाँ ब्रेकफास्ट बना दिया, यहाँ भी आके सब काम उसी स्पीड से चल रहा है मेरी बहना का। कुछ मैंने ऐसे नहीं करा, चाय मैंने बनाई है। लैपटॉप लगा दिया चार्जिंग पे आपने भी, गुड यार गुड। ओ वाओ इतना सारा सामान कल हमारा है ही, हमारे जीजू सुपरस्टार, सबसे बड़ा टास्क इस टाइम जीजू के पास है, इन दोनों को एंगेज रखना। ये लोग तुम चाय का वही भूला है, चाय का सामान तुम्हें जाके, चाय का सामान लेके आए मॉर्निंग में जाके, एक पाकिस्तानी। मैं जीजू को बहुत बड़ा वो करूंगी कि जीजू इतना क्या, जीजू क्या आंटी नहीं इतना सुनते हैं बेचारे। अरे चला तू ही तो है, तू ही तो आग लगाने वाली है, मैं भी तो वही देख रहा हूँ, भड़काती रहती दीदी को, पता दीदी क्या क्या कहेगी, दीदी आप तो इतना कर रही हो, मैं होती तो मैं इतने में सुना देती, दीदी कहती अच्छा इसका मतलब तो कुछ गलत हो रहा है मेरे साथ, दीदी को पंप करती रहती पूरे टाइम। अरे पंप की बात नहीं है,
मतलब स्पून सामने रखा होगा चीजों को, वो नहीं दिखता, तो इसलिए मैं थोड़ा दीदी को दिया। सबके लिए चाय का सामान लेके आया। नहीं नहीं नहीं, आप एक बार ध्यान रखना, वो काम नहीं दिख रहा। तीन दिन से मैं देख रहा हूँ आपको स्पून के ताने मिल रहे हैं। हाँ, चला के गाड़ी बेचारे देख। यार जीजू आप कैसे हो यार? भाई ये हमारा यहाँ से व्यू है बाहर का। अभी नायग्रा फॉल्स के लिए हमें 20 मिनट का रास्ता है, मैं पहले नहा लेता हूँ। जीजू नहा लिया आप? नहीं मैं नहाने जा रहा हूँ। गुड, चाय रेडी करके चाय पी लो। मैंने दो ना, कहाँ है चाय रेडी? दो ना मेरे को, मुझे पता है यार मैं रेडी में बैठा हूँ। इस रूम में कौन रुका? चाय कहाँ चली गई? तो गैस भी बंद है। वो नहीं तो चाय है ही नहीं इसमें तो, देखना। अरे बहन, बहना चाय चली कहाँ गई? माइक्रोवेव में चाय गरम गरम। भाई चाय माइक्रोवेव में, पहली बार मैंने सुना है। अगर कल को घर की मिक्सी खराब होगी तो दीदी वॉशिंग मशीन में मिक्स कर सकती है। वेला बहुत क्यूट हो सच्ची यार। अच्छा। भाई आपके व्लॉग्स में लोगों को ऑलरेडी मजा आ रहा है, वो इसीलिए क्योंकि आप लोग हो ही सच में बहुत अच्छे हो यार, एंटरटेनिंग एकदम। यार तुम लोग इतने अच्छे हो इसलिए तुम्हें सब लोग अच्छे लगते हैं। मतलब आप मुझे कार्टून बोल रही हो? काइंड ऑफ। बाय बाय। चलो यार चाय पीते हैं। अरे नहीं नहीं, मलाई तो मैं पीता ही हूँ यार। अच्छा बहन, अभी खा लूंगा मैं कुकीज, अभी खा लूंगा। लेनी तू चाय? चाय भी नहीं पीती। ओह शिट, ये तो बहुत गर्म है जीजी। ओ भाई रुक जा, तू यहाँ गिरा देगा। तेरे ग्रह नक्षत्र मुझे कल से ठीक नहीं लग रहे। हाँ हाँ रुक जा, हाँ बेटा प्ले कर तू, रुक जा। आज गिरा दिया, यहाँ भी शेल्फ बना दी, कहाँ कहाँ सामान रख दिया। आयरू खाना खा रहे हो आप? अरे खाना खा रही है दीदी, रेडी हो रही है, जीजू नहा रहे हैं, मैं भी नहाने जा रहा हूँ। भाई जाओ। फ्रेंड्स काफी लेट हो चुका है हमें निकलने के लिए, सोचा था सुबह जल्दी निकलेंगे लेकिन उठे ही आज 10 बजे, तो यार हुए 12 बजे तक, निकलते निकलते हमें 3:15 हो चुका है। नायग्रा फॉल जाएंगे, यहाँ से 20 मिनट का रास्ता है। जीजू आ रहे हैं, मैं थोड़ा गाड़ी में बैठूंगा, थोड़ी सी एंग्जाइटी टाइप की हो रही है। जब हम लोग निकल चुके हैं नायग्रा फॉल्स के लिए, यहाँ से अभी लगेंगे अपने को 22 मिनट और। रास्ता काफ़ी सुंदर है, जगह काफ़ी सुंदर है। ओ इधर तो लेक है यार, एक एकदम क्या कलर है पानी का, नहीं कितना क्लियर ब्लू एकदम। गाइस अभी हम लोग नायग्रा रिवर के ऊपर से जा रहे हैं, यही आगे जाके नायग्रा फॉल्स में कन्वर्ट होने वाले हैं जब ये नीचे गिरेगा। थोड़ा बहुत आपको दिख रहा होगा। गाइस यहाँ से हमें थोड़ा थोड़ा सा दिख रहा है नायग्रा फॉल्स, आपको भी कैमरे में नहीं दिखेगा, वहीं जाके पता चलेगा। लेकिन जो आप बड़ी बड़ी सी बिल्डिंग्स देख रहे हो, ये वाली, ये कनाडा है उस पार, यहाँ पर यूएस है, उधर कनाडा है। गाइस ये बॉर्डर है जो आप सामने देख रहे हो, यहाँ से बाय रोड लोग यूएस से कनाडा जा सकते हैं। वहाँ पे क्या जीरो चेक होता है? पासपोर्ट वगैरह चेक होता है क्या? हाँ पासपोर्ट, अगर आपका ग्रीन कार्ड है तो ग्रीन कार्ड से आप जा सकते हो। ऐसा लग रहा है जैसे टोल टैक्स वाला होता है, लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो यूएस का फ्लैग भी लगा हुआ है, शायद कनाडा का फ्लैग भी लगा, कनाडा का फ्लैग नहीं कुछ और ही फ्लैग है जीजू, वो तो उधर। गाइस अपने को दिख गया इंटरनेशनल फूड कोर्ट, अब आते टाइम हम इधर खाना खा लेंगे जीजू, ठीक है। गाइस ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा टॉर्चर है आज तक का, जो कॉन्टेंट बनाने के लिए मैं फेस कर चुका हूँ। बोला भी नहीं जा रहा, पता नहीं क्या बोले जा रहा हूँ मैं यार, इतनी ज़्यादा ठंड है। अब स्पीड देखो इस वाटरफॉल की, ओ भाई ऐसा लग रहा है ये जो पानी गिरने के बाद क्या बोलते हैं उसको, दूधिया धार बोलते हैं कुछ ऐसा बोलते हैं। भाई आप देखो ये ऐसा लग रहा है बर्फ़ के टुकड़े आ रहे हैं। उस तरफ कनाडा है, उधर भी कुछ है शायद कसिनो वसिनो, भाई अच्छा सा कोई टाउन लग रहा है। इस चीज़ के लिए मैं खुद को सॉरी बोलूँगा, इतनी ठंड ना मैंने लाइफ में कभी फेस नहीं की जितनी आज हो रही है। हाथ कैमरा नहीं पकड़ा जा रहा, जम चुके हैं। वाह यार, लेडीज लेडीज एंड मेंटल मैन, यही कहने लगो हमें। अरे भाई यही कहोगे अब हमें, हम तो मेंटल मैन है। गई गई गई, दोनों गई। आयरा बेटा तेरे को ठंड नहीं लग रही? जॉनी जॉनी, अरे ये तो पूरी पोएम वाली है। बस अकेला मैं हूँ जिसके दिमाग कितना रिले है आके। मेरे भी हिल गए भाई, ऊपर से नीचे तो सारे तार। मैं तो चेक कर रहा था कि इसको याद है सब कुछ या नहीं, हमारे जीजू को। अरे मेरे भी सारे तार हिल गए भाई, इतनी ठंड नहीं देखी। जीजू इतनी ठंड कभी फेस किया मैंने? विंड की वजह से ज्यादा लग रहा है। यस बेटा
वेरी गुड। और ये जो है ना ये बाइनोकुलर से इसकी मदद से पर देखे क्या इसमें हम? अच्छा इसमें पहले सिक्का डालो, सिक्का डालो उसके बाद देखो क्या देखो, वो तो यहाँ से भी दिख रहा है। ये कनाडा दिखाएंगे इसे बस। हाँ थोड़ा सा आई थिंक जो ऑप्टिकल लेंस बना के। ओके नहीं तो इतनी ठंडी देखी लाइफ में कभी नहीं देखी इतनी ठंड। ऐसा लग रहा है जैसे फ्रीजर से भी ज्यादा ठंड है। आप मेरे हाथ देखो फ्रीज हो गए। तेरे का क्या हुआ तू पता नहीं चला मेरे हाथ है। लाइट्स भी आ गई यार। ओ जीजी और दीदी कहाँ हैं? क्या कौन? हाँ ठंड बहुत है यार, कौन रुकेगा इतनी देर यहाँ। ये यहाँ पर पार्क है इसके पास, यहाँ भी लोग बैठ सकते हैं लेकिन गर्मियों में बैठ पाएंगे यार, सर्दियों में तो कोई मुझे लग नहीं रहा। स्लिपरी एंड अनइवन सरफेसेस। हम साक्षी दीदी और जीजू कॉल कर रहे हैं शायद वो लोग। व्हाट्सएप एक्चुअली की थी और जीजू को मैंने भेज दिया था कि तुम अच्छा भी कर रहे हो। दीदी कहां हो? अरे भाई आ जाओ भैया, जानो जाने अच्छा जानो जाने। राइट में स्टेयर्स ऊपर होगा ना? हां स्टेयर दिख रहे हैं जहां से। हां 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 ऊपर आ जाओ पूरा। ओके स्टेयर्स से ऊपर राइट में है वो लोग। हां ठीक है ठीक है आगे चलो 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 चलो। दीदी और जीजू जाने लेते हमारी फोटोज में थे मगर मैंने बोल दिया कि भाई चले जाओ क्योंकि दोनों छोटे बच्चे भी हैं। छोटे बच्चे भी हैं यार, मेरे तो हाथ ही काम नहीं कर रहे। जीजू इस ग्लास की बिल्डिंग के अंदर से मैं हाथ दिखा रहे। चलो भाई कम से कम ये जो हवा चल रही है ना इसकी वजह से ज्यादा हालत खराब हो रही है। अरे बाहर खींचना यार। ओ बहन जन्नत घुस के जान बचाई भाई। वाह ठंड से ज्यादा ये हवा जो चल रही है ना है ना उसकी वजह से इसका मतलब तो बॉडी एकदम फ्रीज हो रही है ना। ये एम्प्लीफाई कर रही है ठंड पे। ये कौन सी जगह है? ये यहाँ के इन्फॉर्मेशन सेंटर है इसका। अच्छा चले जीव चले यहाँ थोड़ा सा अच्छा बॉडी को ठीक है ठीक है गाड़ी तक पहुँच जाओ जिससे गाड़ी तक ही ना पहुँच पाए। गाइस हमें लग रहा था कि ये वर्स्ट टाइम है यहाँ आने का लेकिन इससे भी ज़्यादा कुछ है एक्सट्रीम। वो है जब ये पानी पूरा जम जाएगा। तो जीजू ने बताया शायद जनवरी के आसपास जम जाएगा तो और ठंड होगी। हाँ पूरा फॉल जम जाएगा फिर वॉक होगी फिर वो अंदर बोट से लेके जाएंगे। नहीं उस टाइम कौन जाने देगा जनवरी तक जम जाएगा। यहाँ पर आ रहे हो तो यहाँ जरूर आ रहा है, ये एक अलग ही दुनिया है अलग ही। चलो भाई चलते हैं कुछ खाते पीते हैं। गाइज मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि अगर आप यहाँ पर आ रहे हो तो कैप पहन कर आना, जैसे मैंने बताया था बहुत बहुत ही इनसेन वाली ठंड है तो अपना बचाव खुद ही कर सकते हो। और दूसरी चीज़ पता नहीं मेरे साथ जब से मैं यहाँ पर आई हूँ ना मैं कुछ खा पी नहीं रही हूँ ठीक से क्योंकि मुझे भूख ही नहीं लग रही है। मैं पानी भी बहुत कम पी रही हूँ, खाना भी बहुत कम खा रही हूँ, मैं प्रोटीन पीना स्टार्ट किया है। ठीक इसके सामने है इंटरनेशनल शॉपिंग और ये शॉपिंग वाला तो नहीं आप छोड़ दो, इसके इस साइड है इंटरनेशनल फूड जहाँ पर हर टाइप का फूड मिलता है। सामने जो बिल्डिंग आपको दिख रही है तो अभी हम इस बिल्डिंग में जा रहे हैं, इस बिल्डिंग में देखते हैं कि खाने में क्या क्या है। और इस तरफ ना ज़्यादा ठंड नहीं है, जितना आप उसके फॉल के पास जाओगे उतनी आपको ठंड लगेगी। मेरे तो कानों में से चलकर खून आने को है। वाह देखिए कितना सुंदर है यार यहाँ पर ना हर एक चीज़ सुंदर है। और सबसे अच्छी बात है बहुत क्लीनिंग है यहाँ पर। लखन तुम पहचान में नहीं आए? लखन कहाँ गए? सच में घोड़े के लगाए थे ना साइड में हार्ड रॉक कैफे के अंदर मतलब क्या क्या खाना मिलता है क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग जाते होंगे। वेज मिलता है, नॉनवेज नहीं मिलता। किसने बोला तेरे को? मैं जब आई थी तो मेरे को वेज मिला था। कब आई थी तू? मैं आई थी ना कहा यूएस यहाँ पर। अच्छा ये जो सच में आ चुकी है बहुत अच्छे कॉमेडियन है। मैं और जीजू बहुत सुनते हैं उनको। जीजू मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये मॉल बंद है ये जगह? साक्षी दीदी सच में मेरे को लग रहा है बंद है जगह ना यार क्योंकि कुछ भी हैपनिंग सा तो हो ही नहीं रहा यहाँ क्योंकि लोग नहीं है और फूड कोर्ट का तो लग नहीं रहा। हाँ हाँ चलो एक बार चल के देख ले। आ तो गए यहाँ से तो क्लोज है। मैं भी एंट्री आगे से देखता। अच्छा डिसीजन रहा हमारा, हम इस साइड आ गए यहाँ से ओपन है ये। चलो चलो लेट्स गो। और शायद यहाँ वो भी मिल जाए अपना यार अडेप्टर, हमारे पास अडेप्टर की कमी होगी। चल बेटा चल 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 जी शायद अडेप्टर भी मिल जाए शायद यहाँ पे ना ट्रैवल अडेप्टर, मैं वो देखता हूँ। तुम इतने जाए कुछ ऑर्डर करो। फूड का तो कुछ दिख ही नहीं रहा दूर दूर तक। अपने को यहाँ ट्रैवल अडेप्टर मिल गया, अब हम ट्रैवल अडेप्टर लेके अपना कम से कम फोन चार्ज कर पाएंगे। जीजू ने जो घर पर दिया था वो हम लाना भूल गए। यहाँ मिनट्स की उस पर ड्राइव यहाँ कुछ नहीं था
यहाँ सब बंद है सारे किचन। तो चले चल रहे फिर जीजू उसी चलते हैं। हाँ चलो चलो लेट्स गो चलिए। नहीं बेटा नहीं नहीं चाहिए आजा। नहीं जिस चीज़ के लिए हम आए थे इंडियन रेस्टोरेंट यहाँ पर नहीं मिला। अब हम लोग जा रहे हैं कोई दूसरा, जीजू को बताया किसी ने जायका नाम से है, हम वहाँ जाते हैं अभी और हम होप कर रहे हैं कि वो खुला हुआ मिले अपने को। बैठो गाइस बैठो 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 बैठो, पूरी बॉडी सुन्न हो गई मेरी। तो गाइस ये वाला रेस्टोरेंट तो काफी पास है उस जगह से, इसके रिव्यूज भी अच्छे हैं तो आई होप अच्छा ही रहेगा। यस उसी के बराबर में एक और इंडियन रेस्टोरेंट है मद्रास कैफे नाम से जो कि बंद है अभी, जायका इंडियन क्यूजीन। अभी फिलहाल इसी में चलते हैं हम लोग। काफी सारे मुझे फॉरेनर्स दिख रहे हैं अंदर। ये रूल है अपने लिए प्लेट ले लो बट अपनी झूठी प्लेट को वहाँ पर दोबारा लेकर नहीं जा सकते, आपको फ्रेश प्लेट उठानी पड़ेगी। तो ये अच्छा रूल है और ये पॉली भी आपको हाथ में पहननी है तब आपको खाना लेना है। बड़ी क्लीनिंग है यहाँ पर, हर एक चीज़ को बड़े अच्छे से बताया गया है कि अगर आपकी झूठी प्लेट हो गई तो आप वहाँ पर मतलब चार्जेस ही लगेंगे उसके, बट आपको एक फ्रेश प्लेट लेनी पड़ेगी। इतना झूठा हो जाता है खाना खराब हो जाता है, वो आप प्लेट में वो स्पून रख रहे हो तो कहीं ना कहीं वो झूठा हो जाता है, इसीलिए इन लोगों ने ये रूल बनाया, बड़ा अच्छा रूल है। तो भाई यहाँ पर मैंने लिया है दम आलू राइस मटर पनीर समोसा, ये चाट पापड़ी है, ये समोसा है, ये फ्राइज़ है और ये थोड़ा अचार एंड प्याज है। पीरी का भी बिल्कुल रेडी है, आयरा हमारी उधर बैठी है, वो लोग लेने गए खाना। गाइस जो हमारी आयरा है उसको मैंने पाउच करना सिखाया है, दिखाते हैं। लेकिन आयरा की तरफ कैमरा वो करना ठीक है, पैन करना। आयरा आयरा पैन किस कर लो देखो गाइस, देखा बोला था ना आयरा। मीठे में है यहाँ पर तीन ऑप्शन, ये है मैंगो फिरनी गुलाब जामुन और ये ऑरेंज। ऑरेंज मीठा होता है खट्टा होता है, इसमें देना दिया। हाँ इन्होंने ये तीनों चीज़ दी है बट अच्छी है दीदी। जीजू गए लेने के लिए। हाँ मैथन को खाना नहीं है, दक्षी को खाना है। लेट्स गो। यहाँ वैसे हमने मैंने स्नैप अभी खोला सुबह से, बहुत ही कम आज मैंने स्नैप यूज़ किया बिकॉज यू आर नॉट फीलिंग वेल और हमारे साथ मतलब थोड़ा ट्रैवल हुआ था। मुझे किसी ने बोला हम लोग यहीं पर रहते हैं नायग्रा फॉल के पास, आप प्लीज़ कम मेरे घर पर आओ। तो मैंने कहा नेक्स्ट टाइम पक्का। गाइस होटल से निकलते इतनी ठंड लगने लगती है। हाँ मामा मामा से सही कह रहा, ठंड है बेटा, मामा से पूछ ठंड तो कैसी लग रही है। ओह यहाँ से थोड़ा थोड़ा दुबई वाला फील भी आ रहा है देख के बाहर। लेट्स गो। ओह शिट यार टू कैनेडा वाले रोड पे आ गए जी की गलती से। तो वापस चल रहे, बंद कर दक्ष, गुड आ गए हम लोग वापस। और आयरा बेटी मेरी गोद पर सो गई थी, वैसे पता चला घर आ गया उठ गई। चल चलो आयरा। लाइट कहाँ गई दीदी हमारी? नहीं दीदी तो ये तो ओ अच्छा ये लाइट, मुझे लगा ये घंटी हो यू देख के आयरा है तेरे पास। चलो जी घर आ गए हम। क्या भाई नींद आ गई क्या तेरे को? अभी तो नहीं आई, अभी मैंने एडिटिंग का डन की है। तुम कैसे भी शॉट ले लेते हो, मैं कैसे बनी हूं? मैं दिखा रहा हूं लखनीत व्लॉग्स देख रही है अभी। मैं लखनीत व्लॉग्स नहीं देख रही हूं और मैं प्यारे कमेंट्स पढ़ रही हूं। अच्छा और यहां पर देखो अभी दीदी ने मेरे को बहुत लाइट सा डिनर दिया है और मुझे पक्का पता है लखनीत व्लॉग्स चल रहा होगा। भाई ये सुपर सपोर्टिव लोग हैं यार, इतना सपोर्ट करते हैं, नींद आती है और उसको भी बिठा कर जबरदस्ती दिखा रहे हैं। अजय खुद भी दिखता है ना अब तो। गाइस आज बहुत खुशी का दिन है, आज तो हमारी बहन का भी व्लॉग आ रहा है जो कि आपने क्योंकि वीडियो तो तीन दिन बाद आएगी, आपने दीदी का व्लॉग ऑलरेडी देख लिया, बहुत सारा प्यार भी दे दिया मेरे को पहले से पता है, थैंक यू सो मच। अब वो रेगुलर हो जाएंगे अपने चैनल पर। सो गाइस अब बस सोने का टाइम हो गया है। आज बहुत अच्छा दिन रहा, मतलब बहुत मिक्स सा दिन था, बहुत सारी चीज़ें भी हुई मेरे साथ जिनके बारे में ऑन कैमरा बात नहीं करना चाहता। कभी किसी दिन मौका मिला तो ज़रूर बातें बताऊंगा आपको, लेकिन बहुत कुछ चल रहा है लाइफ में यार, चलता ही रहता है, सबके साथ कुछ ना कुछ दिक्कतें हैं बट इट्स ओके। मैं बहुत खुश हूँ, मेरे पास आप जैसे लोग हैं, मेरे पास भगवान का इतना आशीर्वाद है, इतने सारा प्यार है आप सबका, तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों को माइंड नहीं करता बट इट्स ओके। जो भी कर रहा है करने दो यार, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। बाकी आप लोगों को विश करूंगा कि आपका दिन अच्छा जाए। प्लीज़ व्लॉग को लाइक कर देना अगर आप यहाँ तक आए हो तो, और कमेंट कर देना। चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो कर दो, 10 मिलियन इसके भी करा दो यार, मुझे भी डायमंड बटन देखना नीतू की तरह, समझ रहे हो ना? ठीक है बाय बाय कर दे भाई। बाय गाइज, थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए, हमारे चैनल इस वीडियो को लाइक करते हुए जाना। ओके बाय।